जिला पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से पीओ सेल बनाए जाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को इस बारे में अपने निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन व कर्मचारियों को पीओ सेल के सदस्य भी अपना पूर्ण सहयोग देंगे। पुलिस प्रशासन की क्राइम बैठक में सभी पुलिस थानों को भी इस पर अपनी कार्यवाही तेज करने के आदेश दिए गए हैं। इस बैठक में भी इस बात को लेकर गहनता से विचार किया गया कि पुलिस में चालक कर्मचारियों की कमी है। कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि चालक बीमार या अन्य किसी महत्वपूर्ण काम के कारण अवकाश पर हो, तो इस दिशा में पुलिस प्रशासन के वाहन पर चालक न होने से पुलिस के उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने में भी परेशानी पेश आती है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर रमन कुमार मीना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी पुलिस थाना अधिकारियों से हुई इस बातचीत के बाद निर्णय लिया गया। वहीं शहर में नशे तथा शराब के कारोबार में शामिल लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। पुलिस कर्मचारियों ने कई ऐसे युवाओं को भी मादक पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लिया है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से ये भी सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए हैं कि स्कूल बसों की समय समय पर अपनी चेकिंग की जाए। इस बैठक में पुलिस कर्मचारियों के वेलफेयर को लेकर भी कई विषयों पर चर्चा की गई। कई बार पुलिस कर्मचारियों को आवासीय भवन पुलिस लाइन में कम पड़ जाते हैं, जिससे उन्हें किसी बड़े कार्यक्रम में परेशानी झेलने पर मजबूर होना पड़ता है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर रमन कुमार मीना ने बताया कि जिला पुलिस की हर माह होने वाली इस क्राइम बैठक में सभी थाना प्रभारियों को पीओ सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पीओ सेल से पुलिस प्रशासन को और अपराध कम करने के लिए मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी इस निरीक्षण के कार्य के रूप में अपनी सेवाएं देकर पीओ सेल की टीम में लगातार संपर्क में बने हुए हैं। जिला में गठित पीओ सेल के सदस्यों से इस बारे में भरपूर सहयोग मिल रहा है। पुलिस 24 घंटे लोगों की सुविधा को लेकर अपनी सेवाएं दे रही है। अपराधी को पुलिस किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी, जिससे लोगों को सही न्याय भी मिले। ओवरऑल जिले का जो क्राइम का डाटा है, पुलिस से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको लेकर इसमें डिस्कस किया गया। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को वेलफेयर से संबंधित अगर कोई इश्यू था तो उसको भी हमने डिस्कस किया है। कल की जो हमारी मीटिंग थी उसका मेन फोकस रहा है, जो अभी नूरपुर में हादसा हुआ उसको देखते हुए हमारे यहाँ हम हालांकि रेगुलर बेस पे चेक करते हैं बसेस को, पर इससे संबंधित जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको एक बार फिर से इनको रिव्यू करने का ये समय है। तो सभी जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो तुरंत इसमें कार्रवाई करें और सभी बसेस को चेक करें। जो अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है, ऐसा कोई बस मिलती है, तो ये तो सीधा सीधा वायलेशन है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। इस बारे में सरकार के और न्यायालय के सभी के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, उनका पालन किया जाएगा और अगर कोई इनका वायलेशन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त हम कार्रवाई करेंगे।